बागपत में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पहले से ही शादीशुदा एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू नाम बताकर एक तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसका यौन शोषण किया। इस दौरान महिला गर्भवती हो गई। वहीं उसने इस बात की जानकारी जब अपने प्रेमी को दी तो उसने महिला से गर्भपात कराने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और धर्म परिवर्तन न करने पर उसे प्रताड़ित तक किया। इसके बाद उसने महिला का धर्म परिवर्तन भी करा दिया और फिर उसे साथ रखने से भी मना कर दिया, जिससे प्रताड़ित होकर महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी मुलाकात इनसे यहाँ बड़ौद में रशीदिया हॉस्पिटल में हुई। यहाँ इन्होंने मुझे अपना नाम अक्ष बताया, बोला कि मैं डाइवोर्सी हूँ और आपसे शादी करनी है। शादी का झांसा देता रहा और रिलेशनशिप में आ गया। अभी जब मैंने बोला कि मेरे को प्रेगनेंसी है तो बोला कि मैं शादी कर लूँगा लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने कहा वो किस लिए? बोला क्योंकि मेरा असली नाम अकरम कुरैशी है। आरोपित की पत्नी को यह पता चला तो आरोपी, आरोपी के भाई एवं आरोपित की पत्नी के द्वारा तीनों के द्वारा मिलकर के महिला के साथ पीड़िता के साथ मारपीट की गई। पीड़िता की इस प्रार्थना पत्र पर विभिन्न धाराओं में सुसंगत धाराओं में बड़ौद थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपित की पत्नी को एवं आरोपित के एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। शीघ्र ही जो बचा हुआ अभियुक्त है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी कर सिद्धांतिक कार्रवाई अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया के